टीम इंडिया के फैंस खुशी से फूल के कुप्पा हो गए हैं। बंदे आते हैं और आते ही सूतना शुरू कर देते हैं। पहले 6 ओवर में सिर्फ 45 रन, 3 विकेट भी गंवाए। लगा कि नए बच्चे आज फंस गए, पर फिर शुरू हुई सुताई, बांग्लादेश की धुनाई। छक्के बोले तो कितने लगे, 15। इसमें 7 तो नए लड़के नीतीश रेड्डी ने ही उड़ा दिए। रिंकू भैया भी 3 जड़ गए। रियान पराग को 6 गेंदे खेलने को मिली, 2 छक्के। अर्शदीप सिंह को सिर्फ 2 गेंदे, फिर भी 1 छक्का। इसके मुकाबले बांग्लादेश की टीम अपनी पूरी पारी में सिर्फ 4 छक्के मार पाई। बताइए, दिल्ली जैसे छोटे ग्राउंड में सिर्फ 4 छक्के। पर इस खुशी के हल्ले में आपने एक बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, और वो ये कि टीम इंडिया ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। इंडिया के लिए संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह और तो और हार्दिक पांड्या से भी गेंद नहीं फेंकवाई गई। यानी अपने हार्दिक भैया से कहा गया कि आराम करो, फिर भी 7 गेंदबाजों से गेंदबाजी। इन 7 ने विकेटें भी ली। आज रियान पराग, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी को हम सिर्फ बल्लेबाज समझते थे, पर इन तीनों ने 8 ओवर फेंके और 4 विकेटें भी निकाली। ये बल्लेबाजों से गेंदबाजी कराने का रुझान गौतम गंभीर के कार्यकाल में उभर के सामने आया है। इसकी प्रेरणा उन्होंने अपने ही जमाने से ली है, वो जमाना जिसमें वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली भी गेंदबाजी किया करते थे। वाइट बॉल क्रिकेट में तो MS धोनी सुरेश रैना और केदार जाधव तक से गेंदबाजी करवाते थे। और तो और, धोनी गेंदबाजी के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली तक को उतार देते थे। फिर दौर वो आया कि बल्लेबाज नेट्स में बल्लेबाजी करके बाकी के नेट्स पे जाकर सिर्फ थ्रो डाउन या बोलिंग मशीन से अभ्यास करते थे। ये होती है थ्रो डाउन का लचीला डंडा, जिसमें गेंद फंसा के बल्लेबाजों को फेंकी जाती है। ये कुछ बड़े चमचे जैसा लगता है। और बॉलिंग मशीन से तो सब कुछ होता है, तेज गेंदबाजी हो या स्पिन गेंदबाजी, जितनी भी गति चाहिए हो बॉलिंग मशीन अपना काम करती है। पर जब से गंभीर आए हैं उन्होंने सोच लिया है कि ये नहीं होगा। बॉलिंग मशीन और थ्रो डाउन अपनी जगह, लेकिन बल्लेबाजों को गेंदबाजी में नेट्स में बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। अब साफ है कि टीम में आपके बने रहने के मौके और भी अच्छे होंगे अगर आप बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी कर सकें। अब ऐसे में हर कोई अपनी गेंदबाजी सुधारने में लगा है। T20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव कहते हैं कि ये बहुत सुखद अनुभव है जब आपको मालूम चले कि आपके पास सिर्फ 5 ही नहीं बल्कि 7 गेंदबाजी के विकल्प हैं। गंभीर को एक फायदा ये भी हुआ है कि टीम के सीनियर खिलाड़ी T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। रोहित या विराट या जडेजा होते तो उनको अपनी कोचिंग की प्रणाली में ढाल पाना मुश्किल होता, लेकिन नए बच्चों के साथ तो उनको अपने सांचे में ढाल पाना आसान होता है। इस वजह से टीम के पास ज्यादा बॉलर होंगे तो बल्लेबाजों को किसी के एक को टारगेट कर पाना मुश्किल होगा। जिसको कभी खेला ही ना हो वो आ जाए तो कुछ गेंदें तो समझने में ही निकल जाती हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टीम के गेंदबाज इन नए बच्चों के हाथ में ही दी जाएगी। पर किसी दिन अगर आपका कोई मुख्य गेंदबाज चोटिल हो जाए या उसकी पिटाई हो रही हो, तब आप किसी और से भी गेंदबाजी करवा सकते हैं। अब अगली बार जब टीम इंडिया T20 का मैच खेले तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि हमारी तरफ से कितने बल्लेबाज गेंदबाजी भी करते हैं।